घास की ट्राली देखो कितनी लंबी है भाई साहब। ओए होए 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 होए, मैं अपना आप देखता हूँ, देख रहे हो कितनी लंबी ट्राली है। तो जी हमारी गाड़ी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह अनलोड, और इस समय हम है लुधियाना ट्रांसपोर्ट नगर में। तो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी गाड़ियाँ, और गाइस जो आपको ये चीज दिख रही है ना वाइट वाइट गाइस, ये सारा पेपर है, ये देखिए। अच्छे होंगे, खुश होंगे, आप लोगों का सब कुछ अच्छा जा रहा होगा। करते हैं जी आज एक और नया व्लॉग शुरू। तो जी चैनल पे नए हैं टू सब्सक्राइब। जैसे कि आपको पता है हमने श्रीनगर से अपनी गाड़ी लोड की थी और हम जा रहे हैं लुधियाने के लिए। इस टाइम की लोकेशन जो है हमारी मकेरिया है, मकेरिया पंजाब हम एंटर कर चुके थे, तो इस टाइम मकेरिया में है। और जी इस टाइम हम चल रहे हैं लुधियाना की ओर, तो डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा ही है, पहुँचने ही वाले हैं। तनवीर भाई साहब जो है यहाँ पर है, बस हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 किलोमीटर का सफ़र होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस पहुँचने ही वाले हैं। तो बस यहाँ से थोड़ा ही है, तो फिलहाल चल रहे हैं। और जी बात करें गर्मी की, गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा है क्या बताएं आपको, हमने कम से कम 2 बार गन्ने का जूस जो है 2 बार पी लिया हमने अभी तक, गर्मी इतनी है। तो शुक्र अल्लाह का फिलहाल फिर भी ठीक है, चल रहे हैं। तो तनवीर भाई भी यहाँ पर है, चल रहे हैं। तनवीर भाई साहब आप कुछ बोलना चाहोगे गर्मी के बारे में या कुछ? भाई साहब सर्दी इतनी हो रही है, मैं क्या बताऊँ आपको, काली बर्फ पड़ रही है, काली काली नहीं पीली पड़ रही है, पीली बर्फ, बहुत जबरदस्त बर्फ पड़ रही है, बुरा हाल हो रहा है हमारा। जी पहुंच गए हम गत्ते की फैक्ट्री में, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कश्मीरी गाड़ियाँ लगी हुई, JK03 अपने अनंतनाग की गाड़ियाँ लगी हुई। एंट्री कर रहा हूँ, ये देखो जी पंजाब में कश्मीरी बोल रहे हैं भाई, ठीक है। ये यहाँ की एंट्रेंस है, गाड़ी अंदर लेंगे और देख लेते हैं फिर। तो जी गाड़ी हमने यहाँ पर अंदर ले आए थे, और साथ में मैं अंदर गया हुआ था, यहाँ पर पानी है, ठंडा पानी है, तो मैंने नहा धो लिया है। तो अभी अभी नहा के आया हूँ मैं, तो खाना शाना जो है अभी नहीं खाया है मैंने। और जी दिन के 1:30 बज रहे हैं, और बात करो अगर गर्मी की, गर्मी की बात ही मत पूछो भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो चलो शुक्र है अल्लाह का, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बोला था गर्मी की मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे को टेंशन है रात को जो मच्छर काटते हैं ना, तो उसका भी इंतज़ाम हमने कर दिया। मैं आपको दिखा दूँ, हम ऑल आउट ले आए हैं, ठीक है। तो ये इसका जो मतलब चार्जर वगैरह में लगा के, तो पूरी रात जो है आराम से आप रह सकते हो, मच्छर वगैरह जो है नहीं काटते हैं। तो फिलहाल इस टाइम भूख लग रही है, 1:30 बज रहा है, देखते हैं खाना खाने के लिए क्या होता है। तो क्योंकि आपको पता है हमने बर्तन वगैरह अभी गाड़ी में नहीं रखे हैं, क्योंकि अभी गाड़ी का थोड़ा बहुत काम करवाना है, टूल बनाना है, पीछे भी टूल बनाना है, जंगला वगैरह थोड़ा बहुत काम है अभी। और साथ में इंशाल्लाह आज हो सकता है, अगर आज गाड़ी खाली होगी, आज हम कूलर भी ले लेंगे, ठीक है। तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, कूलर आ गया गाड़ी में, फिर थोड़ा पानी डाल के उसमें बर्फ़ डाल के थोड़ी सी 5-10 रुपये की 20 रुपये की बर्फ़ मिल जाती है हर जगह, 20 रुपये की बर्फ़ डाल दी, कूलर ऑन कर दिया, और पूरा शीशे वीशे चढ़ा के अंदर पूरा चिल्ड हो जाता है। तो फिलहाल भूख लग रही है, हल्की हल्की भूख लग रही है। हमने पंजाब में सुबह सुबह पराठे और नमकीन चाय पी है, तो नमकीन चाय जो है मैंने बहुत देर के बाद पी है, आज कम से कम 10-15 दिन हो गए नमकीन चाय पिए हुए। तो 1-2 कप पिए उसका, उस टाइम मैंने अपना ब्लॉग शुरू नहीं किया था। तो जी एक काम करते हैं, चलते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह आपको दिख ही रही होंगी, यहाँ पर ये सारी कश्मीरी गाड़ियाँ हैं, JK03 ओ वहाँ पर भी है एक JK03, ठीक है। तो ये कश्मीरी गाड़ियाँ हैं, श्रीनगर से सारी गाड़ियाँ भर के आई हैं। तो जी चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये अपनी रानी खड़ी है, और गत्ते का पहाड़ देखो, और इस गत्ते में ना साथ में घास भी जाता है, घास की ट्राली देखो कितनी लंबी है भाई साहब। ओए होए 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 होए,
मैं अपना आप देखता हूँ जरा, देख रहे हो कितनी लंबी ट्राली है। ये शायद गत्ते के साथ ढलती है, तो कितना सारा है। तो जी चलते हैं आगे और देखते हैं तनवीर भाई कहाँ पर है, और खाना शाना खा लेते हैं क्योंकि भूख भी जो है बहुत लग रही है। यहाँ पर ना इनकी अपनी कैंटीन है कुछ, तो चलो देखते हैं कैंटीन में क्या होगा खाने पीने के लिए। लो जी आ गई ये रोटी, सब्जी में है शायद ये शिमला मिर्च, आलू और दाल, ये खीरा और फुलका। तो तनवीर भाई आपको पता है एज यूजुअल पहले शुरू हो गए हैं। करते हैं बिस्मिल्लाह। तो जी खाना वगैरह हो गया था हमारा और गाड़ी हमारी अनलोडिंग पर आ गई है। ये देखिए जी अनलोड कैसे होती है गाड़ी। और गैस जो आपको ये चीज़ दिख रही है ना वाइट वाइट, गैस ये सारा पेपर है। ये देखिए पेपर है सारा, ये इसमें पता नहीं क्या पानी डाल के इसको ना ग्राइंड किया है क्या किया है, ये सारा पेपर है। बिल्कुल लाइट वेट, घर भी गया खाली इतनी जल्दी, 2 मिनट भी नहीं हुए इसको बंदे ने गाड़ी खाली कर दी। जी हमारी गाड़ी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह अनलोड और इस टाइम हम है लुधियाना ट्रांसपोर्ट नगर में। तो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी गाड़ियाँ, सिर्फ हमारी गाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी गाड़ियाँ वगैरह। तो ये वाली गाड़ी जो है ये हमारी गाड़ी है, ओके। तो यहाँ पे पूरे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेंगी आपको। तो इस टाइम मेरा दिल कर रहा है चाय पीने का, ठीक है। तो साथ में ढाबा है, चाय चाय पीते हैं पहले, फिर चाय पिला दो एक। तो जी आ गई अपनी चाय और मिट्टी। चाय ज़बरदस्त है भाई, बाइक और चाय ज़बरदस्त, मसाले मार के चाय है भाई ज़बरदस्त।